सन टीवी। शुरू अल्लाह के नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। ईमान का मतलब यह है कि आपका दिल इन मसाइल से आगाह हो गया है, अपनी अकल से समझ लिया है। आपका दिल इस पर यकीन करना चाहिए। अगर हमारा दिल इसका मतलब समझ गया कि हम अभी खुदा के हजूर में हैं, वो ये मजलिस खुदा के हजूर में है, ये खुदा के हजूर में है, इस वक्त हम अल्लाह के बारगाह में बैठे हैं। अगर हमारा दिल इसका मतलब समझ गया कि हम अभी खुदा के हजूर में हैं, वो ये मजलिस खुदा के हजूर में है। अगर किसी शख्स का ईमान या अकीदा, ईमान या पता है, अगर कोई शख्स मोमिन हो जाए, इसमें अगर इंसान का दिल तलाश करे और उसे पाए, वो गुनाहों से बाज आ जाएंगे। तमाम गुनाह इस हकीकत की वजह से है जो इंसान ने दरियाफ्त नहीं किए हैं, ये मसला खुदा की मौजूदगी का। हालांकि इस शख्स के पास इसका सबूत है, उसके पास अकली सबूत है कि खुदा हर जगह मौजूद है, इसके दलील है और तमाम अंबिया ने भी ये कहा है, और वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो। कुरान पाक 57 आयत 4। वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां कहीं भी हो, वो तुम्हारे साथ है। ये बात हमने कुरान से सुना है और ये सबूत के साथ साबित है, लेकिन ये हमारे दिलों तक नहीं पहुंचा।